नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ हम बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाले हैं। आई होप आपको ये बहुत पसंद आए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ब्रेड हेल्दी होती है कि नहीं, सैंडविच हेल्दी होता है कि नहीं, तो आप मुझे क्या बताएंगे? इस सैंडविच को देखने के बाद आप बोलेंगे कि बिल्कुल बहुत हेल्दी सैंडविच भी बनता है। तो आज आपके साथ मैं प्रोटीन से भरपूर सैंडविच बनाऊंगी, और इसमें खाली आपको प्रोटीन ही नहीं मिलेगा, इसमें आपको फाइबर, विटामिन, प्रोटीन, विटामिन सी, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो बस फिर आप बिल्कुल भी मत टेंशन लीजिए, बिल्कुल देर नहीं करूंगी, आपके साथ सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी, क्रिस्प, मसालेदार सैंडविच बना के रेडी करेंगे। और बनाना इतना इजी कि आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, बस घर में अपने तवे में आप ये बना के रेडी कर पाएंगे। तो चलिए आज हम वेजिटेबल से भरपूर सैंडविच बना के तैयार करते हैं। तो हमने ले लिया है खीरा, इसी के साथ दो टमाटर, दो प्याज। अब हमको लेना है पनीर और थोड़ी सी हरी मिर्ची, अभी पूरा नहीं हुआ है। हमको लेना है 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, तो धो के साफ कर लिया अदरक। और ये देखिए, सारी चीजें मैंने धो के पोंछ ली हैं, खीरा, टमाटर, मिर्ची, अदरक, सारी चीजें धुली हुई हैं। तो अब हमको इन चीजों को एक एक करके कट करना है। सबसे पहले हम प्याज को चॉप कर लेते हैं, इसी में हम डालेंगे हरी मिर्ची। तो आप अगर थोड़ा कम तीखा खाना चाहते हैं, मिर्ची ज्यादा तीखी है, तो मिर्ची अपने हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने अदरक को भी चॉप कर दिया। अब हमको चलना है मिक्सी जार की तरफ। तो मैंने ये सारी चॉप चीज इसी जार में डाल दी, और मैंने इस जार में अदरक ग्राइंड की थी, तो ये अदरक का ही पिसा हुआ जार है। और इस मसाले में पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, इसमें हम कुछ चीजें और ऐड करेंगे। तो चलिए हम ले लेते हैं पनीर। तो ये मैंने 200 ग्राम का पनीर का पैकेट लिया है। हमको 200 ग्राम पनीर नहीं इस्तेमाल करना, मैं 8 से 10 सैंडविच ही बना के तैयार करूंगी। तो बस हमको लेना है 100 ग्राम पनीर। तो ये देखिए, मैंने हाफ कट कर लिया। अब हमको क्या करना है, हमको इस पनीर के छोटे छोटे टुकड़े काट के इसी प्याज के साथ ऐड कर देने हैं। ये देखिए, अब हम इसी मसाले में कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो हमने ले लिया है ब्लैक पेपर, और आप इसको 1/4 चम्मच डाल दें। ये देखिए, आप ब्लैक पेपर खड़ी बिल्कुल भी ना डालें, पाउडर ही डालें, खड़ी डालेंगे तो पिसेगी नहीं। इसी के साथ हमने ले लिया है 1/2 टीस्पून जीरा। अब हमको इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देना है, इससे ज्यादा सॉल्ट ना डालें, नहीं तो तेज हो जाएगा। और बस अब हमको करना है ढक्कन बंद और चलते हैं, पीस लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने पीस लिया है, पानी का यूज नहीं किया है, पानी बिल्कुल नहीं डालना। और ये देखिए, अब हमको रखना है जार को साइड में। चलिए, ये हमने हरी हरी सब्जियां ली हैं, तो इनको भी पील कर लेते हैं। तो ये छिलका उतारा, और वैसे ये खीरा बहुत सॉफ्ट होता है, अगर आप चाहें तो इसका छिलका ना भी उतारें तब भी कोई टेंशन नहीं है। देसी खीरा थोड़ा सा हार्ड होता है, उसको छीलना जरूरी है। खीरा साफ करके एक दूसरे बर्तन में रख दिया। अब हमको खीरा के आगे पीछे से छोटे छोटे से पार्ट्स कट कर देने हैं, फिर हमको खीरे की स्लाइस करनी है। जब भी आप खीरा काट रहे हैं ना, तो थोड़ा सा चक जरूर लें, क्योंकि कभी कभी खीरा कड़वा निकल जाता है, फिर आप बनाने के बाद खाएंगे तो सैंडविच खराब लगेगा। इससे अच्छा है कि आप काटते टाइम थोड़ा सा टेस्ट कर लें। और ये देखिए, अब हमको टमाटर भी कट करना है। तो मैंने टमाटर के भी आगे से छोटे से पार्ट्स को कट किया और स्लाइस में टमाटर काट लिया। जब भी आप टमाटर का सैंडविच में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो टमाटर बहुत ज्यादा गला हुआ नहीं होना चाहिए। चलिए भाई, हमने आधी तैयारी तो कर ली, अब हम चलते हैं अपनी ब्रेड की तरफ। तो आप आटा ब्रेड भी यूज कर सकते हैं, या फिर ये व्हाइट ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास ये व्हाइट ब्रेड ही थी, इसी का इस्तेमाल करेंगे। ब्रेड तो हमने ले ली, अब हमको ब्रेड में बटर या घी का इस्तेमाल करना है। और बटर से मुझे याद आया, आजकल बटर लगाने का ही जमाना है, आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होंगे जो बटर लगाते होंगे। चलिए, ये तो मैंने मजाक की बात कही, माइंड मत करिएगा। तो मैंने ये ब्रेड में बटर लगा दिया। हमको केवल एक साइड ही बटरिंग करनी है, दोनों तरफ आप बिल्कुल भी बटर का यूज ना करें, क्योंकि हम दूसरी साइड कुछ और ही लगाने वाले हैं। तो देखिए, चारों पीस में हमने बटर लगा लिया। अब हमको दूसरी तरफ लगाना है ये पनीर पिसा हुआ, जो हमने पनीर, प्याज, अदरक, मिर्ची, इसी के साथ कुछ मसाले पीसे ना। तो बस ब्रेड की दूसरी तरफ हमको ये लगाना है, लेकिन सारे ब्रेडों में नहीं लगाना, बस आप देखते जाइए। हमने सारी चीजों को किया मिक्स, और हमको ब्रेड में 2 चम्मच इस तरह से
ये पनीर का मसाला डाल देना है। सारी ब्रेड में अच्छे से आप फैला दें। पनीर को अच्छे से फैलाने के बाद हमको ये कटे हुए खीरा के पीस रख देने हैं। जितनी ब्रेड में खीरा के पीस आ जाएं आराम से रखें, बहुत ज़्यादा भरना नहीं है। तो ये देखिए मैं 6-6 पीस खीरा के रख देती हूँ। इसी के साथ अब हमको टमाटर भी रखने हैं। तो आपने खीरा ज़्यादा डाली, टमाटर उतने डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो सैंडविच स्वैगी बनेगा। अब हमको लेने हैं कुछ मसाले। इसमें से आपके पास जो भी मसाले हों आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पेरी पेरी, पिज्जा पास्ता सीजनिंग, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो चाट मसाला तो होगा ही, उसका आप इस्तेमाल करें। तो ये देखिए मैंने ले लिया है पिज्जा पास्ता सीजनिंग, थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। ये देखिए अब हमको इसमें डालना है थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, बस ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा सा ही आप स्प्रिंकल कर दें। अब हमको इसी में ऐड करना है चिली फ्लेक्स। तो ये मेरे घर की बनी हुई चिली फ्लेक्स है, इसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, शायद आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो मैं लिंक आई बटन में दे दूंगी, आप जरूर देखिएगा। घर में बना के रख लें तो बहुत सस्ती पड़ती है। ये हमारा सैंडविच बन गया। आप चाहें तो ये ब्रेड दूसरी ब्रेड के ऊपर रख दें और बस इसको पका लें, लेकिन मैं इसको और यमी बनाना चाहूंगी। मेरे बच्चे थोड़ा चीज ज्यादा पसंद करते हैं और बच्चों का तो नाम है, मुझे सच में बहुत ज्यादा चीज पसंद है। तो मैं इसमें डालूंगी एक चीज स्लाइस। आप इसमें चीज भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं या फिर आप इस तरह की चीज स्लाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस एक ही चीज स्लाइस ली है। इसी के साथ मैं दूसरी जो ब्रेड हमारी एक तरफ खाली बची ना, उसमें लगाऊंगी तंदूरी मेयोनीज, जिससे कि बिल्कुल टेस्ट हटके आएगा। और मैं सच बता रही हूँ, जब आप ये सैंडविच बनाएंगे ना आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। खाने के बाद आप इसका स्वाद बिल्कुल भी नहीं भूल पाएंगे। आप मुझे कमेंट करें या ना करें, लेकिन मैं जानती हूँ आपको ये सैंडविच बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो ये देखिए हमारा एक सैंडविच तैयार हो गया। दूसरा सैंडविच हम सेम प्रोसेस से बनाएंगे जैसे अभी आपको मैंने दिखाया ना, बस इसको थोड़ा सा मैंने फास्ट कर दिया है जिससे कि आपका थोड़ा सा टाइम बचे, लेकिन आप अच्छे से समझ लें कि इसमें हमको क्या क्या ऐड करना है। और इस टाइम पे आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगी, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज अपना सपोर्ट मुझे जरूर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे कमेंट पढ़ के बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। और हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों के पास सैंडविच मेकर नहीं होता, तो आज आप लोगों की मैं परेशानी बिल्कुल सॉल्व करूँगी। हम इसको घर पे रोटी बनाने वाले तवा में बनाएंगे। तवा तो सभी के पास होता है, तो बस सैंडविच मेकर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही क्रिस्पी सैंडविच हम घर में तवे पे बना के तैयार करेंगे। ये मेरा नॉनस्टिक तवा है। आपके पास नॉनस्टिक कढ़ाई, नॉनस्टिक फ्राई पैन, कुछ भी हो आप उसमें ये सैंडविच बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैंने फ्लेम को ऑन किया और तवा हल्का सा गर्म हुआ है, बस फ्लेम को मैंने कर दिया है स्लो। बहुत ज़्यादा तेज फ्लेम में बिल्कुल भी सैंडविच नहीं पकाना। ये देखिए तेज है ना, बिल्कुल स्लो कर दी। अब हमको इसी में सैंडविच रख देना है। अभी आपको बिल्कुल भी नहीं छूना, सैंडविच को आराम से पकने दें। तो 3 मिनट हो गए हैं, 3 मिनट बाद मैं देखिए पलट रही हूँ। ओहो क्या क्रिस्प है, बहुत टेस्टी लग रहा है, सच में लग रहा है ना कि अभी उठाओ और खा जाओ, बहुत यमी सैंडविच बना है। इसी तरह हम ये दूसरा सैंडविच भी पलट देंगे। एक तरफ से तो आप देख ही चुके हैं कितना अच्छा कलर आया है सैंडविच मेकर में भी। इतने टेस्टी, इतने क्रिस्प, इतने अच्छे सैंडविच बिल्कुल नहीं बनते हैं जितने अच्छे हम आज तवा में बनाएंगे। तो हमने एक तरफ 3 मिनट पकाया, दूसरी तरफ तवा पहले से गर्म था, तो बस हमको 2 मिनट पकाना है। फ्लेम का ध्यान रखना है, बिल्कुल स्लो रखनी है। तो ये देखिए पक गए हमारे 5 मिनट में सैंडविच। चलिए इनको हम सर्व कर लेते हैं। तो बस अभी आपके सामने मैंने 2 ही बनाए, बाकी मैं बनाती रहूंगी और खाते रहेंगे बच्चे। तो इनको हम कट भी कर लेते हैं। तो आप इस तरह से नाइफ की हेल्प से या फिर पिज्जा कटर की हेल्प से काट सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपके पास 2 में से कोई भी एक चीज होगी ना, आप उससे सैंडविच कट कर दें। ये देखिए बहुत आसानी से सैंडविच कट जाएंगे और बहुत क्रिस्प है गाइस, सच में एकदम कुड़कुड़ की आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है ना कि अब भी खा जाऊं, बहुत टेस्टी बने हैं। और ये देखिए क्या सब्जियां दिख रही हैं, चीज मेल्ट हो गई है, सुपर टेस्टी, डिलीशियस, यम्मी। मुझे लग रहा है मैंने आज तक इतने टेस्टी सैंडविच बनाए ही नहीं है और खाए भी नहीं है, बहुत यम्मी। तो चलिए अब हम इनको सर्व भी कर लेते हैं। आप इनको किन किन चीजों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, तो ये मैंने प्लेटिंग कर ली।
मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा, मुझे लग रहा है आपको मैं कितना क्लोज से दिखा पाऊँ कि आप भी समझ पाए कि इतने टेस्टी ये सैंडविच बनके तैयार हुए हैं। सैंडविच तो हमने प्लेट में रख दी, अब बच्चों की फेवरेट मेयोनीज और इसी के साथ सॉस भी रखते हैं और चलिए इंजॉय करने देते हैं बच्चों को। आप इसको एक बार बना लेंगे फिर तो ये आपका वीकली नाश्ता हो ही जाएगा, यकीन मानिए। चलिए आपको मैं इसकी क्रिस्पनेस सुना ही देती हूँ, मेरे से रहा नहीं जा रहा है। बने हैं ना फ्रेंड्स सुपर क्रिस्प सैंडविच, तो चलिए इस प्रोटीन से भरपूर सैंडविच को आप अपने बच्चों को जरूर बना के खिलाएं। और घर में अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो ये सैंडविच सर्व करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लेटिंग अपने हिसाब से आप इसकी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।